असम मेघालय सीमा समझौते पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर रिकॉर्ड मंगवाई जाएगी। दरअसल असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए एमओयू पर हाईकोर्ट की रोक को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने उठाया तो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए पूछा कि हाईकोर्ट ने इस समझौते पर रोक क्यों लगा दी है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अपनी अर्जी की कॉपी दे, मेंशनिंग के बाद मामले की सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि मेंशनिंग के बाद वे रिकॉर्ड भी मंगवाएंगे। पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दायर याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह उल्लंघन आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गत मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 12 विवादित स्थानों में से 6 में सीमा का निर्धारण करने पर सहमति बनी थी। पहले इन्हीं मुद्दों की वजह से अक्सर दोनों राज्यों के बीच विवाद होता रहा है। तो बता रहे असम मेघालय सीमा से जुड़ी इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर। असम मेघालय सीमा समझौते पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर रिकॉर्ड मंगवाई जाएगी। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए एमओयू पर हाईकोर्ट की रोक को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने उठाया तो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए पूछा कि हाईकोर्ट ने एमओयू पर रोक क्यों लगाई है। वहीं सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अपनी अर्जी की कॉपी पहले जमा करें, मेंशनिंग के बाद मामले की सुनवाई होगी। वहीं सीजेआई ने कहा कि मेंशनिंग के बाद वे रिकॉर्ड भी मंगवाएंगे। उधर पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दायर याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ये उल्लंघन आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गत मार्च में ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 12 विवादित स्थानों में से 6 में सीमा का निर्धारण करने पर सहमति बनी थी। पहले इन्हीं मुद्दों की वजह से अक्सर दोनों राज्यों के बीच विवाद देखा जाता रहा है।